चलता रहेगा इंशाल्लाह। हम सब मिलकर आप सब तक बहुत सारी बातें पहुंचाने की कोशिश करें।
सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ोजल के बारे में कुछ अकीदे जान लेना सबके लिए फ़र्ज़ है। अगर बंदा मुसलमान अल्लाह ताला के बारे में उन अकायद को ना जाने तो मुसलमान नहीं कहलाएगा। सबसे पहला अकीदा कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, ये अकीदा होना ही चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसकी ज़ात व सिफ़ात और अहकाम में कोई इसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला ऐसा एक है कि उसके साथ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा अकीदा हमारा होना चाहिए। कभी 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 कभार ऐसा हो सकता है कि कोई काम हमारा किसी दूसरे की वजह से हो गया, तो बहुत सारे लोग जहालत में बिना पढ़े ये कह देते हैं, बिना मालूम किए कि तूने खुदा जैसा काम किया माज़ल्ला, तो ये सब कहना कुफ्र वाली बातें होगी। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसकी ज़ात यानी उसके एक होने में सिफात यानी उसका सुनना देखना और उसका बंदों को अता करना, बहुत सारी चीज़ें उसकी मेहरबानी करना, इन सारी चीज़ों में ज़ात और सिफात में उसका कोई भी शरीक नहीं है, उसका कोई भी साथी नहीं है, उसका कोई भी साझी नहीं है, अल्लाह ताला एक है। और अल्लाह तबारक ताला वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद यानी उसका होना, उसका पाया जाना ये ज़रूरी है, अल्लाह ताला का पाया जाना ये ज़रूरी है। वो अजली भी है अबदी भी है, यानी वो हमेशा से है, ऐसा कोई टाइम मुकर्रर नहीं, टाइम मुतय्यन नहीं कि वो कब से है, बल्कि वो हमेशा से है और अबदी यानी हमेशा रहेगा, उसको फना नहीं है। इंसान दुनिया में आता है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा से रहा, बल्कि माँ के पहले बाप के पुश्त पर आता है, फिर माँ के रहम में जाता है, फिर माँ के रहम फिर बाहर आता है, फिर एक दिन उसको मरना रहता है, यानी इसको उसका जो आना दुनिया में एक मुतय्यन वक्त पे होता है और जाना भी है, टाइम उसका फिक्स है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि वो हमेशा से, कोई टाइम उसका फिक्स नहीं कि कब से, वो हमेशा से और हमेशा वही ज़ात रहेगी, उसको ना तो फना है ना तो उसको कुछ है, अल्लाह तबारक ताला हमेशा से हमेशा रहेगा, ये अकीदा हमारा रहना ज़रूरी है। और हम जो इबादत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जा सकती है, उसके अलावा किसी की इबादत कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं, सिर्फ अल्लाह ऐसा है जो इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं। अब किसी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, कोई मदद कर दिया समझ लो हमारी, बहुत ही हम परेशान हाल थे, बहुत ही मफलूकुल हाल थे, हमारे किसी ने मदद कर दी, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि चलो हम इसकी इबादत कर लेते हैं, इसने हमें हमारी बहुत मदद की, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ही एक ऐसी ज़ात है जो इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है, ये अकीदा हमारे दिलो दिमाग में हमारे जहन में होना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक ताला ऐसा गनी है ऐसा मालदार है, ऐसा सब कुछ रखने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला की मोहताज है, अल्लाह ताला की जानिब पूरी दुनिया की लौ लगी हुई है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। हम जो नमाज पढ़ते हैं रोज़े रखते हैं अल्लाह ताला के लिए करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला इस चीज़ का हाजतमंद है, अल्लाह ताला को इस चीज़ की ज़रूरत है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं गर्चे अल्लाह तबारक ताला के लिए, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए, वो हमारे ही काम आने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, मोहताज सिर्फ बंदे हैं, पूरी दुनिया मोहताज है, इसी में हम जो करते हैं उसका फ़ायदा उसके बेनिफिट हम ही को मिलना है। और अल्लाह तबारक ताला की जो ज़ात है यानी अल्लाह ताला खुदा होना और उसकी सिफात रहमान रहीम करीम शफी ये सब जितने अल्लाह ताला के 99 जो नाम है, 99 नामों के अगर तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ता चलेगा कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला रऊफ है, अल्लाह ताला करीम है, बख्शने वाला है, अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला ज़ुल जलाली वल इकराम है, ये 99 नाम जो हैं ये सिफाती नाम है, अल्लाह ताला की ज़ाती नाम एक है अल्लाह, सिफाती नाम 99 है, अल्लाह ताला के ज़ात और सिफात के अलावा बाकी सारी चीज़ें दुनिया में जितनी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें ये फना होने वाली हैं, इसको बका नहीं है यानी हमेशा रहने वाली नहीं है, अल्लाह ताला का नाम बाकी रहेगा, अल्लाह ताला की सिफात बाकी रहेंगे, बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं कायनात में जब से अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया और कायनात की चीज़ें बनाई सारी चीज़ों को फना होना है। हम जो बड़े बड़े
आसमान देखते हैं, जमीन की चौड़ाई देखते हैं, शजर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, समंदर देखते हैं, दरिया नदी नाले, बड़े बड़े चीज़ें देखते हैं, बड़े बड़े जानवर देखते हैं, बड़े बड़े इंसान देखते हैं, सबको फना होना है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है, उसका ना उसकी ना तो ज़ात फना हो सकती है और ना ही उसके सिफात फना हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें फानी हैं, फना होने वाली हैं। उसकी ज़ात और सिफात के अलावा दुनिया की किसी भी चीज़ को कदीम मानना या हादिस होने में शक करना कुफ्र है। अल्लाह ताला की ज़ात ही यानी अल्लाह ताला होना यही हमेशा से हमेशा रहेगा, ये अकीदा रहना ज़रूरी है। अगर कोई ये अकीदा रखे किसी चीज़ के बारे में, अल्लाह ताला के ज़ात के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में, कि वो हमेशा से हमेशा रहेगा, ऐसा कोई भी अकीदा रखेगा तो फौरन वो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, दार इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक सूरह नाज़िल फरमाया, खुद अल्लाह वाहद अल्लाह समद, सब पढ़ते हैं, सबको याद है, बच्चे बच्चों को याद रहता है। उसका मफहूम क्या है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, खुद अल्लाह वाहद अल्लाह एक है, अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है यानी गनी है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से जना है, वलम यूलद ना ही उससे कोई जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका साजी नहीं, शरीक नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला बाप से भी पाक है, अल्लाह ताला माँ से भी पाक है, अल्लाह ताला जन्ने से भी पाक है, अल्लाह तबारक ताला के तरफ से कोई जना हो इससे भी पाक है, यानी अल्लाह ताला हर ऐसी चीज़ से पाक है जो ऐबदार हो, जो ऐब लगाती है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो वाजिबुल वजूद है, अकेला है, उसका कोई साथी शरीक नहीं है। अगर कोई ये मतलब इस तरह की कोई अकीदा रखे, जैसे क्रिश्चियन वगैरह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मरियम को अल्लाह की बेटी या अल्लाह की बीवी मानते हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये सब अकीदा रखे वो लोग काफिर हो गए। लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा यही होना चाहिए, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अल्लाह तबारक तआला हई है, हई का मतलब जिंदा करने वाला या जिंदा, अल्लाह तबारक तआला ही हई है, अल्लाह तबारक तआला ही कय्यूम है, वो पूरी कायनात की जिंदगी जो है, पूरी कायनात को बनाने में उसी की कुदरत शामिल है। अगर वो चाहे कि कुछ भी ना बनाए तो ना बनाता, उसने चाहा बनाना तो तमाम कायनात को उसने अपनी मर्जी से अपनी कुदरत से बनाई, तो ये अल्लाह तबारक तआला की शान है, अल्लाह तबारक तआला के लिए खास है, और मौत देना भी अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में है। अब हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह ही किसी को जिंदा ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही किसी को मौत देता है। हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनते हैं, गौसे आज़म के बारे में सुनते हैं, और बहुत से अम्बिया औलिया के बारे में सुनते हैं कि वो उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हाँ उन्होंने मुर्दे को ज़िंदा किया, ये बात सच है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के इजाज़त से, अल्लाह तबारक तआला के मर्जी से, अल्लाह तबारक तआला की कुदरत से ही उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। ऐसा नहीं है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाली मतलब आदत जो है उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने जब उनको ताकत दी, कुव्वत दी, कुदरत दी, ऐसा मतलब पोजीशन दिया कि तुम मुर्दों को ज़िंदा कर लो, तो अल्लाह तबारक तआला की इस कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया, हुज़ूर गौसे पाक ने मुर्दों को ज़िंदा किया। लेकिन ये हमेशा का मामला नहीं रहा कि जिस मुर्दे को देखे उठा के खड़ा कर दिया, वैसे अल्लाह तबारक तआला ने कहीं कहीं ऐसा वाक़िया रुनुमा फरमा दिया जिसकी वजह से बंदों के दिल में उनकी अजमत बढ़ी, लेकिन ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने किया है, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ही हुआ है। बंदे का इसमें बंदे की ताकत या बंदे की कुव्वत या बंदे ने ऑटोमेटिकली खुद से किया ऐसा नहीं है, तो ये अकीदा हमारे जहन में होना चाहिए। और अल्लाह तबारक तआला ऐसा कादिर मुतलक है, ऐसा मतलब पालनहार है कि हर चीज़ का हर मुमकिन चीज़ पर वो कादिर है, यानी दुनिया में जो भी मुमकिन चीज़ है, जो भी मुमकिन चीज़ है यानी जो भी पॉसिबल वाली चीज़ है, अल्लाह तबारक तआला उसको उस पर कादिर है यानी वो कर सकता है, और जो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है जैसे मतलब आयबदार चीज़ें हैं, जैसे हमारा बैतुल खला जाना या फिर हमारा झूठ बोलना, ये सब जितने उयूब हैं, नुकसान हैं, नुकसान वाली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है, हर मुमकिन चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, जो चीज़ें मुहाल है अल्लाह ताला उनसे पाक है, उसकी कुदरत उन्हें
شامل ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جیون اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کچھ عقائد تھے, اور اللہ تعالیٰ اللہ عزوجل کے حوالے سے اور کچھ عقائد باقی ہیں, انشاءاللہ عزوجل اس کو دھیرے دھیرے بتائے جائیں گے. لیکن اتنا جان لینا ضروری ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تنے تنہا ہے, اس میں کوئی اس کا شریک نہیں, وہ نہ کسی سے جنا ہے نہ ہی اس سے کوئی جنے ہے, اور اس کی ذات و صفات کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ فانی ہیں, یعنی فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. ان ساری چیزوں کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے ایک مسلمان کو مسلمان کہلانے کے لیے. انشاءاللہ کل اس کے حوالے سے بھی بتایا جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ کا گمان کرنا کیسا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیسا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو یہاں درس دیا گیا عقائد کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ان کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ان عقائد پر ہمیں مفتگی عطا فرما, اور اللہ رب العزت ہمیں یہ اس علم دین کی مجلس کو جو ہم نے سب نے مل کر سجایا ہے اس کو برقرار اور دوام رکھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاء اللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی, آپ سے امید کرتا ہوں ان شاء اللہ اگر اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے پوچھنا ہے تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا ڈاؤٹ یا آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو مفتی صاحب آسان لفظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, تو شرمانے کی ضرورت ہے. علم دین کے مجلس میں آئے ہو تو علم سیکھنے کا جذبے میں انسان کو آنا چاہیے. تو ان شاء اللہ دو دن ہم لوگ کلاس کریں گے, آج ہم لوگ بہت سے لڑکوں کو نہیں بتائیں تو جمعہ اور سنیچر ہوگا, تو کل کے لیے میں آج ایک دس بتا دوں اس شام میں ٹوٹل کتنی رکعت نمازیں, ٹوٹل 17 رکعت 70 کتنی رکعتیں بولو, شروع 4 رکعت سنت موقعہ ہے کہ سنت غیر موقعہ, آواز سے بولو غیر موقعہ, یعنی 4 رکعت سنت غیر موقعہ. تو امام صاحب کے ساتھ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نفل ہے کہ واجب, کیا ہے بولو فرض ہے, 4 اور 4 7 ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا دماغ میں آج لے گئے کہ اور ہے, تو فرض نماز کے بعد اس کے بعد میں دو رکعت سنت موقع, اس کے بعد دو رکعت نفل 12 رکعت, اس کے بعد 3 رکعت, اس کے بعد دو رکعت نفل, 17 رکعت میں کم کتنی رکعت میں نماز پڑھنا ضروری ہے کمپلسری, یعنی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو 17 رکعت پڑھنے کا فرصت نہیں رہتا کوئی کام یا کچھ نہ کچھ سمجھو, تو عشاء میں کم سے کم 9 رکعت پڑھنا ضروری ہے. کون کون سا ہے, امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت فرض ہوا, امام صاحب کے ساتھ 4, امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت, اس کے بعد میں 2 رکعت سنت موقع, 4 اور 2, اس کے بعد 3 رکعت واجب الوتر, کتنی رکعت بولو ٹوٹل, شروع کیا بولو 4, آپ کا اشارہ کرو 4, یعنی ہمارا بدن میں ذرا حرکت پیدا ہو, 4 رکعت اس کے بعد میں 2 رکعت سنت اور اس کے بعد میں 3 رکعت واجب الوتر, تو ٹوٹل 9 رکعت. اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے تو آپ سنت نماز بھی پڑھ سکتے ہو نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن 9 رکعت پڑھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ کل شروع 5 منٹ درس ہوگا اور آخر میں 5 منٹ ہے نا نماز میں کس طرح آپ اٹھانا چاہیے. اگر عشاء کے 9 رکعت میں بہت سے لوگوں کو دعائیں قنوت یاد ہوں, دعائیں قنوت بہت سے لوگوں کو یاد ہوں, تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ ہمارا کوشش رہے گا ایک ایک لائن یا دو دو لائن کر کے ان کو یاد کروا رہے ہیں. تو
अभी कोई ये नहीं कर पा रहा कि सबके सामने हम लोग पूछेंगे, उनको शर्मिंदा करेंगे, बेइज्जती करेंगे, इस तरह कुछ नहीं है। मैं बताऊँ, कल से इंशाल्लाह मगरिब नमाज के बाद हमारे हाफिज साहब जो है ना रूम में 5 मिनट अगर किसी को हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, वो समझाने की कोशिश करें। सिंगल सिंगल आके आप रूम में पूछे होंगे। भाई कल ही हाफिज साहब किसी भी वक्त तैयार हो, हम लोग हमेशा यहाँ नहीं रहते, घर पर रहते, तो कल कोशिश करो मगरिब नमाज होते हाफिज साहब के रूम में जाकर मुझे दुआएं कुरूद याद दिए, आप मुझे लिख के दीजिए, या हिंदी किताब चाहिए, इंग्लिश किताब चाहिए, आप बोले हम लोग ला के देंगे। लेकिन फिर उसकी हिंदी की कोशिश इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना आप, तो कल से कोशिश करेंगे हम लोग, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश कर कर, अगर आपका यही सिलसिला चालू रहा, जुमा के दिन सैयद तौफीक साहब कभी तशरीफ लाएंगे, हाफिज सादिक साहब की तशरीफ में, इस सिलसिले को हम लोग को मजबूत करना, बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलवा के सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं, जुमा और शनिचर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको मजीद सीखने और तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिफضلِ सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु